तो इस बैग के अंदर कुछ ऐसी लैपटॉप के लिए आप लोगों की सपोर्टिंग एक्सेसरीज भरी हुई हैं, जो कि आप लोगों एक सर्टेन बजट के अंदर आ जाएंगी एंड फुल रेडी हो क्या है। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग मजे करने के लिए बैठ जाओ। तो बढ़िया बढ़िया चीजें निकालते हैं। अच्छा, एक चीज रिसेंटली मुझे बहुत हाईलाइटिंग मिली, वो थी यार ये जो नया माउस आया हुआ है ना, ये पोट्रॉनिक्स का है, टोड 1, और इस माउस के फीचर्स ही कुछ ऐसे थे कि मुझे लगा कि इसे इंक्लूड करना चाहिए हमारी वीडियो में। तो यार ये 4-in-1 माउस है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल जाता है, ऑलराइट, मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड, उसके बाद आप लोग एक केबल मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे माउस निकाल लेते हैं। तो आप लोग जिसको भाई ये डिजाइन है इसका, थोड़ा सा लुक अलग है, फ्रेश है। अब इम्पॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, अगर इसके साथ चार्जिंग केबल आया है तो इनबिल्ट बैटरी जरूर होगी। तो इसके अंदर आप लोगों को एक इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है, वो है 500 mAh की, जो कि आराम से आप लोगों की 9-10 दिन चल जाती है, मतलब पूरे पूरे दिन भी काम कर रहे हो लैपटॉप पे तो भी चल जाएगा। उसके बाद चार्जिंग भी शॉर्ट कर दिया यार, इन लोगों ने टाइप सी चार्जिंग केबल दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टाइप सी वाला जो भी आप लोगों का चार्जर रहता है ना, उसी से फोन चार्ज करने का थोड़ी देर से चार्ज कर देना। अब मेन काम की बातों पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्विच मिला हुआ है जो अभी ऑफ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसे डायरेक्टली ऑन पे लाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑन हो गया, तो यहाँ पे ब्लू लाइट ऊपर की साइड में ना ब्लिंक भी होना चालू हो जाएगा, विच मींस आप लोग इसे ब्लूटूथ से भी पेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ब्लूटूथ से पेयर कर देंगे, उसके बाद इसका लाइट ब्लिंकर ऑफ हो जाएगा, तो ब्लूटूथ से पेयर हो जाता है भाई ये माउस। ये चीज ना बहुत काम आती है अगर मैकबुक वगैरह है आपके पास, क्योंकि इनको यूएसबी पोर्ट्स तो आते नहीं है, तो फिर आराम से आप लोग कोई अडैप्टर नहीं लगाना पड़ेगा, ये पेयर सही हो जाता है। और जस्ट इन केस आप लोग के लैपटॉप में ब्लूटूथ सपोर्टिंग नहीं है या फिर कहीं और कनेक्टेड है ब्लूटूथ, तो फिर ना आप लोगों को यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है यूएसबी ट्रांसमीटर का, तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। और ये एकदम नैनो ट्रांसमीटर है, तो बहुत छोटा सा रहता है, लग भी जाएगा, ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये सीन तो फुल सॉर्टेड है। इसके अलावा अगर आप लोग ना यहाँ पे बैक साइड में आओगे एंड इसके स्विच को ना यहाँ पे बस लाइट वाले सेक्शन पे ला के रख देना, और ये माउस आप लोगों का चलता रहेगा, बस बढ़िया लाइटिंग्स भी आ जाएंगी इसमें, तो मल्टीपल कलर RGB लाइटिंग है, इवन ग्रेडियंट पैटर्न्स वगैरह भी आते हैं, बहुत सही लगता है। और 6-बटन कंट्रोल मिल जाता है आप लोगों को, तो नॉर्मल 4 चीजें तो यहाँ पे हो गई आप लोगों की, ये आप लोगों का DPI कंट्रोलर भी हो जाता है, एंड साइड में आप लोगों को यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन भी मिल जाते हैं, जो कि गेमिंग वगैरह में काफी काम आते हैं एक्स्ट्रा बटन जैसे। तो यार इसका जो कनेक्टिविटी वाला फीचर है ना, उसने मेरा दिमाग हिला दिया, मतलब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे अभी ना ये 2.4 GHz पे है, मतलब कि जो हम लोगों ने यहाँ पे USB लगा रखा है, उसके बाद अगर आप हम मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अपना फोन ऑपरेट कर सकता हूँ, और अगर नेटफ्लिक्स चलाना है तो भाई यहीं से चल रहा है पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स, राइट। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं फिर से एक और बार ये बटन प्रेस करूँ ना, तो उसके बाद हम लोगों का ये कनेक्टिविटी में आ जाएगा, और मेरा इसके बाद पूरा का पूरा PC चलने लग गया। एंड थर्ड टाइम अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ, तो अब मैं इससे अपना पूरा मैकबुक ऑपरेट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे जो भी मुझे देखना है वो चल जाएगा। तो जो भी चीजें हैं सारी की सारी यहाँ पे चालू हो गई हैं भाई, मतलब एक ही बार में ना आप लोग 3 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो और उसके बीच में स्विच भी कर सकते हो, इजंट दैट अमेजिंग, क्यों हिला डाला ना। और इसमें से 2 डिवाइसेस हम लोगों ने ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किए थे, और एक जो था वो USB अडाप्टर के थ्रू था। और भाई एक माउस से आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब इसमें सारे फीचर्स जो भी लेटेस्ट आए हुए हैं सब इस माउस में डाल दिए इन लोगों ने, एंड इतने सारे फीचर्स और पेयरिंग वाली जो चीजें मैंने देखी दूसरे माउस में, उनके प्राइजेस थोड़े ज्यादा ही हाई रहते हैं, मतलब ऐसे भाई चालू होते ही 1000 से और लिटरली 10-10 हज़ार के आते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इसका प्राइस जो इन लोगों ने रखा है वो बहुत सही है। ये माउस आप लोगों को 650 रुपये में मिल जाएगा, और इनफैक्ट हम लोगों का एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो फिर वो भी आप लोग चेक कर सकते हो जाके, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट चीज भी यार मैंने प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ही, काफी रिसर्च करने के बाद ही मंगाई है, ये आप लोगों का एक ऑल इन वन केबल है। तो ये केबल मैं जरा दिखाता हूँ, इसका तो पहले ऐसे गेट ओपन करना पड़ता है भाई, पहले ऐसे घर में घुसेंगे फिर ऐसे घर खोल के धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तो ये चीज हो गई, और इसके अंदर आप लोगों को ये जो केबल मिल जाता है ना, ये केबल ही भाई अपने आप में सही है एकदम। वैसे इतना क्लोजली देखे तो ध्यान से देखे ना ऐसा नाड़ा लग रहा है, आई नो, क्योंकि इसका केबल ही कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ रस्सी हम लोग ऐसे हुडी में नहीं डालते वो लग रहा है। अच्छा, जोक सपाट, आप लोग भाई देख सकते हो इसके जो फिनिश है वो बहुत सही है, टेंगल फ्री आता है एंड कम्प्लीटली ब्रेडेड है, और टॉप हेड देखोगे ना तो कुछ ऐसा आता है इसका, इसको तो पहले ऐसे कवर से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है जी, तो कवर से निकाल लेते हैं। फिर इसमें मैग्नेट्स हैं, तो फिर ऐसे चुपका रहता है, इनको भी दूर करना पड़ता है, प्यार बहुत ज्यादा है इनके बीच, साला चलता है मुझसे। तो ये ऐसा कुछ आप लोगों को कनेक्टर मिल जाता है। अभी आप लोगों को 2 चीजें दिख रही होंगी, एक USB वाला पोर्ट और एक आप लोगों को यहाँ पे 8 पिन दिख जाएगा, जो कि अपने आईफोन वगैरह में आराम से लग जाता है, एंड इस USB के थ्रू आप लोगों की चार्जिंग वगैरह भी हो जाएगी सब। अब मजेदार चीज, इनको ना ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट मैं ओपन करता हूँ तो अंदर टाइप सी निकलेगा, और अगर मैं दूसरे साइड का भी ओपन करता हूँ तो इसमें भी आप लोगों को टाइप सी मिल जाएगा। तो ये टाइप सी
टू टाइप सी कनेक्टर भी बन सकता है, और अगर ऐसे कर दे वापस तो फिर ये यूएसबी टू टाइप सी बन सकता है, और ये टाइप सी टू आईफोन का केबल भी बन सकता है। मतलब वही मिक्स एंड मैच करते रहना जैसा भी रिक्वायर्ड हो। अब सही चीज, ये ना कंप्लीट डेटा ट्रांसफर के लिए यूज हो सकता है। मतलब चार्जिंग तो सपोर्टेड है बट इसमें डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो मेरा प्रॉब्लम ही मेन ये था कि अगर मैं अपने मैकबुक को कनेक्ट कर रहा हूँ आईफोन के थ्रू तो अलग केबल ढूंढो, और अगर एंड्रॉइड वाला फोन कनेक्ट करना है तो अलग केबल चाहिए, और चार्ज करने के लिए अलग केबल कैरी करना है, और आईफोन को विंडोज लैपटॉप से कनेक्ट करना है मतलब कभी पड़ गया तो एक अलग केबल लगेगा, चार्ज करने के लिए अलग केबल का टेंशन। तो सारी चीजों का हल मुझे ये केबल मिला जो कि कंप्लीट ऑल इन वन है, और ये आप लोगों का ईयरफोन्स वगैरह चार्ज करने में भी काम आ जाएगा। अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इस केबल की, ये चार्जिंग जो सपोर्ट करता है वो अप टू 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। मतलब भाई फोन छोड़ो, आप लोगों का ये मैकबुक लैपटॉप सब चार्ज हो जाएंगे इससे, और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तो मैकबुक और दूसरे जो लैपटॉप के चार्जर्स रहते हैं वो यूजुअली 60 वॉट के रहते हैं, तो उसमें भी अगर आप लोगों का 100 वॉट का भी चार्जर लगाया है ना तो भी ये काम कर जाएगा ये केबल। 100 वॉट की टेस्टिंग के लिए ना हम लोगों ने कि यहाँ पे अडैप्टर लगाया जो कि एक्चुअली 100 वॉट की पावर्स डिलीवर कर सकता है, क्योंकि ये जो मैकबुक के साथ आता है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 30 वॉट, वो हम लोग एक बार चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मैकबुक का केबल लगाता हूँ एंड इसके बाद अगर हम लोग सिस्टम रिपोर्ट्स चेक करते हैं और उसमें पावर में जाते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है नेम 30 वॉट यूएसबी सी पावर पे। लेकिन अब इस केबल के थ्रू चार्ज करेंगे तो यहाँ पे करते हैं हम लोग कनेक्ट ये केबल को, राइट, तो कुछ से ये कनेक्ट हो जाएगा एंड सिस्टम रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉट जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 90 दिखा रहा है, तो ये मैकबुक एयर मैक्सिमम कैपेसिटी 90 वॉट पे सपोर्ट करता है, तो वहां तक तो ये दिखा रहा है, और ये आराम से 100 वॉट पे भी चला जाएगा अगर कोई 100 वॉट सपोर्ट करता है डिवाइस। पावर में कोई कमी नहीं है बॉस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर करके देखा हुआ है, इवन मैकबुक को चार्जिंग पे भी लगाया हुआ है, अच्छा खासा स्पीड में चार्ज भी हो रहा है। अच्छा, जब इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है। ये इकलौता केबल ही आप लोगों को 2000 रुपए में आएगा कुछ, तो मेरे ख्याल से ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है। मतलब अब किसी को एक बार में एक ऐसी चीज चाहिए जो सारे काम कर दे एंड उसके बाद कभी सोचना नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो, और इनफैक्ट ये कार में ऐसे लगा के रखने में काम आता है, एक ही केबल से सबके फोन कनेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अपने इस वाले बैग से एक और चीज निकाल लेते हैं। ये यार हम लोगों को एक नया लैपटॉप स्टैंड आया हुआ था मार्केट में, तो ये कहां से आया भाई? इसी में था, ये क्यों दे रखा है? चलो गलती से डाला जाएगा, सारी गलती हो गई। इसका नाम है माय बडी हेक्सा 22। अब जरा इसे टेस्ट कर लेते हैं इसमें आता क्या है। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आप लोगों को, ओपन करते हैं एंड यहाँ से हम लोगों का ऐसा ओपन हो जाता है। तो ये कुछ ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो बैक साइड है ना इसमें मल्टीपल एंगल्स में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेट कर सकते हो जहाँ पे भी जैसा कंफर्टेबल है उधर प्लेस कर देना। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक लैपटॉप रख लेता हूँ और ओपन करके देखते हैं, परफेक्ट फिट है। और यहाँ पे ना इन लोगों ने ये पार्ट भी दे रखा है जिसे आप कुछ इस तरह से ओपन कर पाओगे एंड क्लोज भी कर पाओगे, तो अच्छे से होल्ड करके रखता है ये लैपटॉप। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई इसकी बेसिक, और बिल्ड की बात कर ले तो ये एक प्लास्टिक बिल्ड है, और क्वालिटी में भाई अच्छा है, क्वालिटी फोटोनिक्स के प्रोडक्ट से अच्छी रहती है, ढंग की रहती है। इंटरनल कुछ ऐसे फैन वगैरह नहीं आता, बट यहाँ पे स्पेसिंग अच्छा है, तो फिर अगर नीचे के साइड में लैपटॉप में फैंस रहेंगे तो हीट डेसिपेट आराम से हो पाएगी। अब सबसे मैजिकल चीज, जो सबसे नई चीज है इसमें, वो जो इसमें आती है ना वो है ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। भाई आधे लोगों को लगा होगा मैंने स्टैंड ही उठा दिया, एक्चुअल में ना इसमें बेस में आप लोग देख सकते हो एक डिस्क है जो कि कुछ इस तरह से रोटेट होती है, और बढ़िया मस्त लट्टू की तरह आप लोगों का लैपटॉप घूमता रहेगा टेबल पे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और इवन बड़े साइज का लैपटॉप भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट वाइज आराम से बैठ जाता है, कुछ इशू नहीं है, रोटेशन भी बढ़िया होते रहते हैं इसमें। ऐसे ना कॉलेज लैब में होना चाहिए, नहीं यहाँ पे आप लोगों ने असाइनमेंट किया और सर रेडी है। भाई ये घुमाने वाली चीज़ ने ना मज़ा दिला दिया। तो ये कुछ ऐसे रेडी हो जाता है, और प्राइस बहुत सही है इसका, 399 इसकी MRP है, 15% और आप लोगों को ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा कूपन कोड है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में, फोटोनिक्स के सारे प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट। तो सही है भाई, फुल पार्टी आप लोगों को ये अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और फीचर्स भी मस्त लगे मुझे। अच्छा, अभी एक आखिरी चीज़, इसमें ना हम लोग बैग के अंदर से बैग निकालेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैग भी मंगा रखा है, एंड ये कुछ ऐसा आता है, ये एक फुल साइज के लैपटॉप को कैरी भी आराम से कर सकते हैं। एंड माइंड यू, दिस इज नॉट जस्ट अ लैपटॉप बैग, दिस इज अ बैग बैग, मतलब पूरा साइड बैग है ये। इवन जरा से इसे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को इसका स्ट्रैप भी मिल जाएगा। ये जो स्ट्रैप है ये हम लोग साइड में लगा लेते हैं एंड कुछ ऐसे लगा सकते हो आप, और ये रेडी हो गया। इनफैक्ट अगर लैपटॉप वगैरह प्लेस करें तो मैकबुक तो आराम से जाएगा ही, और एक और लैपटॉप में डाल देता हूँ, ये मेरा लेनोवो वाला लैपटॉप भी आराम से इसमें प्लेस हो जा रहा है। तो भाई स्पेस की कमी नहीं है। अब इंटरनल पॉकेट्स वगैरह दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो दो साइड पॉकेट्स और मिल जाती हैं बैग के अंदर, और फ्रंट में भी एक पॉकेट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगी।
जाते जाते नोटबुक वगैरह कुछ भी डालना रहेगा और अंदर ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स मिल जाते हैं, जाते जाते सिगरेट क्या बोला तूने आई मीन पेन रखना रहेगा तो पेन भी रख सकते हो। और भाई लुक फिनिश वाइज सब बढ़िया एकदम, क्वालिटी फुल चंगी, प्राइस में भी चंगा, ये आप लोगों को 500 रुपए के अंदर मिल जाता है और क्या चाहिए। स्ट्रैप मस्त है, हीरो बन के जाओ अपने कॉलेज, सॉरी ऑफिस, जॉब तो लग गई होगी। तो चलो बस इसी नोट पे हम लोग यही वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गया, बातें बहुत कर ली, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट देखना तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। चलो हम लोग ऐसी एक और अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।